हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्विच गियर। तो व्हाट इज स्विच गियर? बेसिकली द स्विच गियर इज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, or apparatus which is used for switching, controlling and protecting the electrical circuit is termed as switchgear। तो हमने क्या बात करी कि switchgear हम किसको कहते हैं? switchgear is the electrical equipment or apparatus जो कि काम आते हैं switching में, controlling में या electrical circuit को protect करने में। जो equipment या apparatus काम में आते हैं उनको हम switchgear बोलते हैं। कौन कौन से equipments होते हैं ये? The equipments में भी circuit breaker, fuses, कॉन्ट्रैक्टर्स, SFU को क्या बोलते हैं हम? स्विच फ्यूज यूनिट्स, आइसोलेटर्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द स्विचिंग, वी कैन से स्विचगियर इक्विपमेंट, जिसमें कि हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर की, स्विचेस की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, फ्यूजेस की, स्विच फेज यूनिट्स की, आइसोलेटर्स की, इनको हम स्विच गियर बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर द एसेंशियल्स? वी कैन से द एसेंशियल्स ऑफ स्विच गियर इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें, क्या क्या खासियतें होनी चाहिए? एसेंशियल्स ऑफ स्विच गियर इंक्लूड्स क्या होना चाहिए इनमें? फर्स्ट इसमें अपन लिख रहे हैं द इक्विपमेंट्स मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल यानी कि रिलायबल होने चाहिए, जिस टाइम पे इनकी जरूरत हो उस टाइम पर ये इक्विपमेंट जो है वो ऑन हो जाने चाहिए। द इक्विपमेंट्स मस्ट बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हेल्दी पार्ट्स एंड फॉल्टी पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। मीन्स किसी भी सिस्टम में कौन सा हेल्दी पार्ट है और कौन सा फॉल्टी पार्ट है उसको डिस्क्रिमिनेट यानी उसको पहचान लेना चाहिए इन स्विच गियर जो एपरेटस हैं, जो स्विच गियर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको। थर्ड है द इक्विपमेंट्स मस्ट बी फास्ट टू प्रोटेक्ट द डैमेज, और वी कैन से इट मस्ट ऑपरेट फास्ट। मतलब जब जरूरत हो तब फास्ट ऑपरेट हो जाना चाहिए ताकि कि हमारा जो डैमेज हो वो मिनिमम से मिनिमम या बिल्कुल ही नहीं हो। मिनिमम भी नहीं होना चाहिए, डैमेज होना ही नहीं चाहिए सिस्टम में बेसिकली। तो हम क्या बोल रहे थे? इक्विपमेंट मस्ट बी ऑपरेट, इतना फास्ट ऑपरेट होना चाहिए ताकि हमारा डैमेज जो है सिस्टम में नहीं हो। और द इक्विपमेंट मस्ट बी कंट्रोल्ड मैनुअली ऑल्सो, यानी कि जब जरूरत पड़े तो हम उसको मैनुअली भी उसको ऑपरेट कर सके, 100% ऑटोमेटिक ना हो, हम उसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सके। सो दीज आर टर्म्ड एज द एसेंशियल ऑफ द स्विच गियर, जिसमें कि हमने ये सारे पढ़े थे कि इनकी ये एसेंशियल क्वालिटीज इनकी सबकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर। तो स्विच गियर कैन बी क्लासिफाइड एज पर द वोल्टेज लेवल्स, एंड दीज आर क्लासिफाइड एज थ्री कैटेगरीज, दैट इज लो वोल्टेज स्विच गियर्स,
लो वोल्टेज स्विच गियर्स इंक्लूड्स द वोल्टेज लेवल अप टू 11 केवी, 11,000 वोल्टेज तक के जो इक्विपमेंट है, एपरेटस हैं, दैट आर टर्म्ड एज लो वोल्टेज स्विच गियर्स. सेकेंड इज मीडियम वोल्टेज स्विच गियर्स. सो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर इंक्लूड्स 11 to 33 kV इक्विपमेंट्स और एपरेटस आर कैटेगराइज्ड और कैन बी कवर्ड इन मीडियम वोल्टेज स्विच गियर. एंड थर्ड इज हाई वोल्टेज स्विच गियर्स. तो इन हाई वोल्टेज स्विच गियर्स ऑल द इक्विपमेंट्स और एपरेटस हुज वोल्टेज लेवल इज ग्रेटर देन 33 केवी आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ हाई वोल्टेज स्विच गियर. सो दीज आर द बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑन विच वी हैव क्लासिफाइड द स्विच गियर्स ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल्स. नेक्स्ट इज एलवी स्विच गियर लेआउट. तो एलवी स्विच गियर अगर लेआउट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले पहले इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट या एपरेटस की हम बात करते हैं. सबसे पहले पहले हम बात करेंगे स्विच, दैट इज स्विचेस, देन फ्यूज, देन सर्किट ब्रेकर एंड लास्ट वन इज रिलेस. सो दीज आर द फोर एपरेटस और वी कैन से द इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड इन द एलवी स्विच गियर लेआउट विच वर्क्स इन द वोल्टेज कैटेगरी ऑफ 11 केवी. तो अगर हम सबसे पहले पहले स्विच की बात करते हैं तो स्विच क्या होता है? स्विच हम किसे कहते हैं कि इट इज यूज टू बेसिकली ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ करने में जो काम में आता है वो उसको हम स्विच बोलते हैं. इट वर्क्स ऑन द नो लोड एज वेल एज द फुल लोड. नो लोड पे भी काम करेगा, फुल लोड पे भी काम करेगा, बट इट डज नॉट वर्क ऑन फॉल्टी कंडीशन. Means it is only used for the opening or closing of the electrical circuit, and it works on no load as well as full load, but not on fault condition. Fault condition पे ये detect भी नहीं करेगा और ये operate भी नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं जो है स्विच. तो पहला हमारा हुआ स्विच, देन सेकंड वन इज फ्यूज. फ्यूज क्या होता है? देखिए फ्यूज किसे कहते हैं? हम सभी ने, आप लोगों ने, हम सभी घरों में डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस हैं यूज करते हैं. तो फ्यूज का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी एपरेटस की जो करंट रेटिंग है, अगर करंट रेटिंग से ज्यादा हो जाएगा तो वो जो इक्विपमेंट है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है. तो फ्यूज का क्या काम होता है? फ्यूज इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट और वी कैन से द इलेक्ट्रिकल एपरेटस विच इज टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, जिसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है उसके सीरीज में हम फ्यूज लगाते हैं. दिस इज बेसिकली ए कैलिब्रेटेड कंडक्टर. ये क्या होता है? कैलिब्रेटेड कंडक्टर होता है जो कि अगर उसकी जो करंट रेटिंग है उस एपरेटस की, उसके सपोज अगर उसकी एपरेटस की रेटिंग है सपोज 4 एम्पियर, तो जो फ्यूज होगा वो हम 3.75 एम्पियर का ही फ्यूज लगाएंगे ताकि जब भी करंट रेटिंग 3.75 हो जाए तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, वो कंडक्टर मटेरियल मेल्ट हो जाता है और आगे जो आपका इक्विपमेंट जो कनेक्टेड है उससे, ठीक है, वो हमेशा के लिए क्या रहेगा? सेफ रहेगा. तो जैसे ही ओवर करंट आएगी, जैसे ही करंट उस 4 एम्पियर से, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 3.75 एम्पियर, इट मे बी 3.95 तक चला जाए, ठीक, तो जैसे ही उस करंट के बराबर पहुंचेगा जहां पे कि वो इक्विपमेंट डैमेज हो रहा है, उससे पहले ही क्या होगा, उसके सीरीज में फ्यूज लगा देते हैं, वो मेल्ट हो जाता है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना था वो इक्विपमेंट जो है हमारा डैमेज नहीं होता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है और फ्यूज वायर जो है उसको मेल्ट करके और आगे सर्किट को जो है वो उस डिवाइस को जो है वो प्रोटेक्ट रखता है. तो दिस इज टर्म्ड एज फ्यूज. बेसिकली अगेन क्या हुआ? ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस हुआ. थर्ड अपने बात करते हैं सर्किट ब्रेकर. तो सर्किट ब्रेकर में क्या बोलेंगे? इट वर्क्स ऑन द ऑल कंडीशन. अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हम उसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं. नॉर्मल कंडीशन यानी कोई फॉल्ट अगर नहीं है पावर सिस्टम में, किसी भी तरह का अगर कोई पावर सिस्टम में फॉल्ट नहीं है तो दैट सर्किट ब्रेकर इज मैन्युअली कंट्रोल्ड. वेयर एज अगर कहीं फॉल्ट आ गया तो फिर वो अपने आप ही जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, ऑटोमेटिकली वर्किंग होती है और वो सर्किट ब्रेकर एज द नेम अप्लाइज व्हेनेवर एनी फॉल्ट अकर्स तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और आपका जो आगे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपका सर्किट ओपन ही हो गया तो आगे करंट कैरी नहीं करेगी तो उससे आगे जितने भी डिवाइसेस आपके लगे हुए हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं. मींस
जब भी फॉल्ट आया ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक हो जाता है, सारे डिवाइसेस अपने प्रोटेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। और हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे, कितने तरह के होते हैं, कैसे अपन इसको कैटेगराइज करते हैं, पर अभी अपन इतना ही बहुत है कि ये क्या करेगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम में से ब्रेक हो जाएगा और सारे के सारे डिवाइसेस अपने बच जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में इसको हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज रिलेज। तो रिले क्या होती है, रिले बेसिकली जब भी कोई फॉल्ट आता है तो रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस। रिले क्या करती है, फॉल्ट को सेंस करती है, पता कर लेती है कि इस जगह पे फॉल्ट आया हुआ है, और जो पता कर लेती है वो सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को। तो सर्किट ब्रेकर को जैसे ही सिग्नल मिलता है वो ऑटोमेटिकली जो है सर्किट ब्रेक कर देता है। तो रिले इज बेसिकली ए सेंसिंग डिवाइस विच सेंसेस द फॉल्ट कंडीशन एंड गिविंग सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर, ड्यू टू विच द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स ओपन ऑटोमेटिकली एंड द सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ एलवी स्विच गियर लेआउट, इन विच वी हैव डिस्कस्ड द स्विचेस, देन फ्यूज, देन सर्किट ब्रेकर एंड देन रिलेज। टॉपिक है एलवी स्विच गियर लेआउट। एलवी स्विच गियर लेआउट हमने पिछले टर्न पे क्या क्या डिस्कस किया था, इसमें फर्स्ट वॉज स्विच, देन फ्यूज, फिर हमने बात की थी सर्किट ब्रेकर की, और फिर हमने बात की थी रिलेज की। तो अगर एलवी स्विचगेयर लेआउट की बात करते हैं तो देखिए, अगर इस डायग्राम में मैं बात करूं एलवी स्विचगेयर लेआउट, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एलवी स्विचगेयर लेआउट। इन दिस पर्टिकुलर एलवी स्विचगेयर लेआउट द मेन इनकमर इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर से जो हमारी सप्लाई आ रही है, दैट सप्लाई इज फीडेड टू द इनकमर बस। इनकमर बस को जो है सप्लाई कहां से देते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड से, एंड दिस इनकमर बस इज प्रोटेक्टेड, दिस इज प्रोटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ आइदर आइसोलेटर और एमसीसीबी। एमसीसीबी का क्या मतलब होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दैट मींस इनकमर बस इज प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग आइसोलेटर और एमसीसीबी। देन द पावर इज फेडेड टू सब इनकमर बस फ्रॉम इनकमर बस, मीन्स इनकमर बस जो है वो पावर किसको फीड करती है, सब इनकमर बस को करती है, और सब इनकमर बस को जो हम प्रोटेक्शन देते हैं, दैट प्रोटेक्शन इज गिवन बाय आइदर ऑफ सर्किट ब्रेकर, सीबी स्टैंड्स फॉर सर्किट ब्रेकर, और एसएफयू। एसएफयू का क्या मतलब होता है, स्विच फेज यूनिट। दैट मीन्स आपका जो सब इनकमर बस है उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं बाय द हेल्प ऑफ आइदर सर्किट ब्रेकर और एसएफयू। देन दिस सब इनकमर बस फीड्स द पावर टू द फीडर बस, ये पावर जो है फीडर बस को फीड करता है, और फीडर बस से जो है हम यहां पे फ्यूज लगा के जो है डिफरेंट डिफरेंट लोड्स जो है, मोटर, हीटर, लाइटिंग एंड एसी, मींस डिफरेंट लोड्स आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ फीडर बस। अब सपोज अगर किसी में फॉल्ट आ जाए, सपोज मोटर में फॉल्ट आ जाए, तो केवल आपका फॉल्ट आ जाए, मींस किसी भी वजह से जब फॉल्ट आएगा तो ओनली ये मोटर वाला ही अफेक्टेड रहेगा, बाकी सब जगह आपकी सप्लाई क्या रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। तो दिस इज द बेसिकली वी कैन से द सर्किट ऑफ एलवी स्विचगेयर लेआउट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच फ्यूज यूनिट, इन शॉर्ट इट इज एब्रीवेटेड एट एसएफयू। एसएफयू स्टैंड्स फॉर स्विच फ्यूज यूनिट। एज द नेम इंप्लाइज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज। सी इफ स्विच इज रिप्रेजेंटेड एज एरो, दैट मींस मैंने बता रखा है आपको स्विच इज ए डिवाइस विच इज यूज टू ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो अगेन इफ इट इज लाइक दिस तो क्या होगा, ये क्लोज होगा तो करंट इसमें से फ्लो होगी, और अगर ये इस तरह से हुआ, ये एरो जो है ये नहीं लगा हुआ और ये ओपन है, तो क्या होगा, करंट फ्लो जो है वो आगे सर्किट में ये नहीं करेगा। तो इट इज द बेसिकल सिंबल ऑफ स्विच। तो स्विच को हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली फ्यूज को हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। This is the symbolical representation of fuse. तो switch fuse unit की अगर हम बात करें तो this is the combination of fuse and this switch. So it is switch fuse unit. In short it is abbreviated as SFU. तो इसको symbolically हम ऐसे represent करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, switch is a device which is used to open or close the electrical circuit.
यानी अगर क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगी, ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूज, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज ए बेसिकली ए कैलिब्रेटेड कंडक्टर, है ना, जिसमें कि अगर ज्यादा करंट उसमें से फ्लो हो जाएगी फ्यूज में से तो इट इज मेल्ट्स ड्यू टू हायर करंट, एंड द डिवाइस विच इज टू बी प्रोटेक्टेड इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद दैट पर्टिकुलर फ्यूज, यानी फ्यूज के सीरीज में हम हमेशा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जिस भी डिवाइस को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो फ्यूज क्या होता है कि ये कैलिब्रेटेड कंडक्टर होता है कि जो कि अगर इसका टेम्परेचर स्पेसिफाइड टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो फ्यूज मेल्ट होके और इससे जो आगे डिवाइस जो लगी हुई होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो देन व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बिकम्स स्विच फ्यूज यूनिट। इन द केस ऑफ स्विच फ्यूज यूनिट द नेम इंप्लाइज हेयर द फ्यूज एंड स्विच आर पुटिंग टूगेदर। सो अब क्या होगा कि जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब हम इस सर्किट को जो है स्विच को क्लोज करेंगे तो इसके आगे जो डिवाइस लगा हुआ है दैट इज टू बी प्रोटेक्टेड, तो उसमें अगर करंट अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा होगी तो इसके सीरीज में जो फ्यूज लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाता है और जो डिवाइस हम यहां आगे कनेक्ट करेंगे वो डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी जो भी डिवाइस हम लगाते हैं उससे 10% पहले ही 15% पहले ही जो है फ्यूज मेल्ट हो जाता है, ताकि कभी भी वो स्थिति ना आए कि आपका डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाए। तो दिस पर्टिकुलर स्विच फ्यूज यूनिट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज।